नोज केयर आफ्टर राइनोप्लास्टी सर्जरी। दोस्तों बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं रिगार्डिंग द राइनोप्लास्टी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब हमने अच्छा काम किया एंड उस काम के बाद क्या वो इम्पोर्टेंट केयर हैं जो हमें जरूरत है, अदरवाइज हमारा अच्छा काम भी खराब हो सकता है। सो नोज केयर आफ्टर राइनोप्लास्टी दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों बहुत अच्छी राइनोप्लास्टी आपकी होगी, बहुत ब्यूटीफुल आपका नोज हो गया। अब सवाल आता है डॉक्टर साहब घर जाके क्या क्या मेरे को केयर करनी है। सो दोस्तों हम बड़े संक्षिप्त में कुछ बातें करते हैं जो हमें बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना है अगर आपकी राइनोप्लास्टी हुई है। तो नंबर वन दोस्तों, जैसे ही हम घर जाएंगे तो सबसे पहले जो है हमारा नोज, जब हम सोते हैं तो नोज का जो है उसकी इडिमा कम करने के लिए हमें हमेशा पिलो लगा के सोना चाहिए। नाक हमारा जो हेड है वो थोड़ा सा एलिवेट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, दूसरा दोस्तों हमारा जो नाक के ऊपर जो प्लास्टर होता है इसको हमें बहुत ज्यादा टच नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेस हमें नहीं करना चाहिए। नंबर तीन दोस्तों, हमें घर जाने के बाद सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज है हमारी डाइट। डाइट में दोस्तों आपको राइनोप्लास्टी आज अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, ओनली लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। सेकेंड डे दोस्तों आपको उसके बाद के अंदर थोड़ा सा रेगुलर जो है सेमी सॉलिड डाइट लेनी चाहिए एंड तीसरे दिन से आपको है रेगुलर हमें डाइट ले लेनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, डाइट में हमें क्या नहीं लेना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे एप्पल है दोस्तों, मटन है, चिकन है, हार्ड जो चीजें चबाने की चीजें वो दोस्तों हमें नहीं लेनी है। एंड इसके अलावा दोस्तों सिक्स जो है इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपके नोज को बहुत ज्यादा हमें ब्लो हमें नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों नोज का, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमें बार बार हमें लगता है कि जो है वो हमारा नोज कैसा है, हम बार बार हमें सेल्फी लेना है। दोस्तों वन मंथ से पहले हमें बार बार ये प्रैक्टिकल भी नहीं करना चाहिए, हमें मानसिक तौर पे परेशानी होती है क्योंकि जैसा आप नोज देख रहे हो ऐसा नहीं रहेगा वो जो नोज पे। क्या है कि हम जो है हम इंडियन पेशेंट है दोस्तों, हमारी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आती है तो उसको इम्प्रूवमेंट में भी टाइम लगता है। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है नोज के चारों तरफ क्या होता है कि कुछ जो स्वेलिंग आती है, कुछ जो यहाँ पे जो है निशान आते हैं जिसको हम ब्रूजेस भी बोलते हैं दोस्तों, आप उसमें लिए एक आइस लेके एंड आइस का वो भी आप जो है बैग में लेके फोमेंटेशन आप कर सकते हो एंड पिलो आपको लगाना है। एंड ये जो निशान है दोस्तों ये 10 से 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, इसके लिए घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और सावधानी है, अगर आपको लगता है कि मेरे को जिम जाना है तो दोस्तों आपको जिम अवॉइड करना चाहिए एंड फिर भी आपको ट्रेडमिल करना है आप कर सकते हैं, बट हैवी वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक अदर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आप डाइट में जैसे रेगुलर डाइट लेते हो बट आपको दो चीजें हैं जो दोस्तों आपको अवॉइड करनी है अगर आपके राइनोप्लास्टी के अच्छे रिजल्ट चाहिए। आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, आपको अल्कोहल अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों दोनों के कारण हमारी हीलिंग जो है वो हमारी जो है वो डिले होती है। सो ये वो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। अच्छी राइनोप्लास्टी के बाद भी अगर आपने अच्छा केयर नहीं किया तो आपको रिजल्ट आने में बहुत प्रॉब्लम आएगी या फिर जो है हमारी स्वेलिंग सबसाइड होने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। जब दोस्तों 10 दिन बाद जब हमारे नाक का प्लास्टर हट जाता है उसके बाद में ये प्रिकॉशंस इतनी नहीं रहती हैं, उसके बाद में आप थोड़ा सा धीरे 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 रेगुलर आप लाइफ की ओर आप जो है सारे काम काज आपके कर सकते हो। एंड राइनोप्लास्टी के बाद आप फ्लाइट जर्नी कर सकते हो, आप बस में भी जा सकते हो, पर्सनल व्हीकल में भी जा सकते हो, हमें इसके लिए जो है वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड मोटे रूप से बात करते हैं तो राइनोप्लास्टी के बाद आप रेगुलर लाइफ कब जी सकते हो, 10 दिन के बाद में, क्योंकि 10 दिन का जो टाइम होता है जब नाक में आपके दोस्तों प्लास्टर रहता है तो एवरीवन आस्क ये कहां से कराया, क्यों कराया, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए 10 दिन के बाद आप अपना रूटीन कामकाज सब कुछ कर सकते हो, बाकी प्लास्टर जब रहता है जब भी ऑफिस में काम, पीसी पे काम, वो सारे काम कर सकते हो। सो देखा दोस्तों आपने आफ्टर केयर आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी कितनी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।